I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Wah, 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 wah. Kya composition hai, kya dhun hai, kya tadap hai. Wah, wah, wah. कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जगह आपको म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए। सोनलाल जी, जिंदगी की सरगम में कुछ सुर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप उभर आते हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। अच्छा, आपको याद है ना आज आपकी रिकॉर्डिंग है? जी हाँ, मुझे याद है। आप बैठिए, चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी। गणेशन, अरे ओ गणेशन, ये सब कौन है? अरे कहाँ मर गया गणेशन। वानकम सर, संगीतकार मोनलाल जी, सोनलाल जी, आपने हमको बुलाया जी। महाशय, चाय नहीं पिलाओगे? अभी पिलाता हूँ जी। इन्ना सर, हमारा गाना सुनो जी। हम ट्रिचरा पल्ली का किशोर कुमारम जी। युडले थी, ओडले थी, युडले। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू सर। अच्छा इधर आना, आप इधर आना। एक बात बताओ, तुम्हारी मालकिन हमें पसंद करती है या नहीं? अय्या, दूध में मक्खी जे। क्या? नो 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 सर, किचन में दूध नंगा पड़ा जे, मक्खी गिर जाएगा जे। मालकिन तुमको बहुत लाइक करता है जी, बहुत लाइक करता है जी। गणेशा जी, हम चाहते हैं इस घर में खुशियां ले आए। मैं चाय ले आऊं? लगता है ये शत्रुमुख ज्योति आंटी पर डोरे डाल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो सारे प्लान खराब हो जाएंगे। ये किस पत्तमीज ने मारा? गणेशन, गणेशन। ये सर, ये कटोरी तुमने मारी? अय्या मुर्गा, हम तुमको कैसे मारेगा जी, तुम इतना बड़ा संगीतकार जी। बदतमीज बेहुदा, अगर तुम्हारी मालकिन से शिकायत कर दी तुम्हें एक मिनट में यहाँ से निकाल देगी। ना सर, मालकिन को मत बताना जी। ठीक है, कान छोड़ो और चाय लेके आओ। अभी लाता हूं। और सुनो, ये कटोरी भी लेके जाओ, अब नहीं मारना। नैन से नैन मिलाए रखना, बलमा नैन से नैन मिलाए रखना, बलमा नैन से नैन मिलाए। गरम चाय, अरे गर्मा गर्म चाय। अबे उल्लू के पट्टे, आखिर तू चाहता क्या है? कुछ नहीं जी, पहले तूने मुझे कटोरी मारी। नहीं मारी जी। मारी? नहीं मारी। तूने ये गर्मा गर्म चाय मुझ पे फेंकी? नहीं फेंकी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा गला दबा दूंगा। ये तो बड़ा झूठ है, इसे नहीं मानेगा। चोरी चोरी चुपके चुपके दिल की बगिया में, कौन आता कौन आता? चोरी चोरी चुपके चोरी चोरी चुपके चुप चोरी 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 चोरी। अरे भाई, बताना तुझे इतना पसंद आया है तो मैं सिखा दूंगा। बड़ा मेरे बाद मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनूंगा। अरे आइंदा मैं कभी गाना नहीं गाऊंगा। अरे माफ कर दे मेरे बाद। अरे चलिए मोहनलाल जी। अरे लकी, तू
मोहनलाल जी कहाँ गए? वो पत्ते डूबने से। हाँ वही, वो तो घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहे थे। घोड़े पर बैठकर? हाँ आंटी, मैंने उन्हें रोका भी पर वो नहीं रुके, लगता है बहुत जल्दी में थे। अजीब बात है। अजीब बात है, आपने बताया नहीं, आप अचानक आ गए, कुछ खास काम था? आज तो मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। जरा रुक तो ही रहा। लेकिन तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे? नर्वस? कहाँ नर्वस हो रहा हूँ। आखिर ये लड़की पापा पर इतनी मेहरबान क्यों है? इतना सुहाना दिन घर में बैठकर जाया नहीं करते, मौसम कितना रोमांटिक है, चलो कहीं आउटिंग पर चलते हैं। रीता जी, इस वक्त जाना नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। प्लीज। हेलो पापा। हेलो हेलो बेटे। आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटे, आप कहीं जा रहे थे पापा? जा रहे थे? हाँ, नहीं तो हम तो रीटा आंटी को यही समझा रहे थे कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलो अब तो आ गए, तसल्ली हो गई। डार्लिंग, हम आपके पापा को 2-3 घंटों के लिए आपसे चुरा कर ले जा सकते हैं, अकेले घबरा तो नहीं जाओगे? पापा से ही पूछ लो ना। ओफो, अपने पापा की जान कभी कभी छोड़ भी दिया करो ना, तुमने तो इन्हें कोलू का बैल समझ रखा है। नहीं रीटा जी, ऐसा मत कहिए, हम दोनों बाप बेटे नहीं बल्कि दोस्त भी हैं, और इसकी कंपनी को मैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा पसंद करता हूँ। बेटे आप आंटी के साथ गपशप मारो, मैं एक फर्स्ट क्लास चाय बनाकर लाता हूँ। विशाल, औरत के बिना जिंदगी तुम्हें फीकी फीकी सी नहीं लगती? लगती तो है, लेकिन लकी के प्यार से मीठी कर लेता हूँ। आप शक्कर कितनी लेंगी? एक चम्मच। एक चम्मच शक्कर, शक्कर शक्कर शक्कर, नमक नमक नमक, हल्दी, शक्कर। अरे भाई शक्कर कहाँ? अरे भाई लकी, बस तू कुछ ना कुछ यार गड़बड़ करता रहता, बस आ शक्कर। इतनी बढ़िया चाय तो आपको बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगी। चाय बनाने में मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ, लीजिए ट्राई कीजिए। थैंक यू। क्यों पसंद नहीं आई? जी नहीं, बहुत अच्छी है। तो फिर पीजिए ना। पीती हूँ। अरे पापा, आपको तो मेहमान नवाजी भी नहीं करने आती। क्यों, क्या हुआ? आंटी को चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट नहीं खिलाओगे? ओह ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, यस। अरे दोस्त, ये रीटा जी ऐसे कैसे चली गई? हाँ कहीं तुमने तो कुछ। पापा ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यहाँ क्यों आती है? मजबूरी है बेटा, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी बुलाता हूँ, वो तो खुद आती है। अब देखना, अभी अपना पर्स छोड़ गई, फिर आएगी दोबारा लेने। अब नहीं आएगी वो। तो क्या तुम्हारे पापा से शिकायत नहीं की? वो आएगी तो शिकायत करेगी ना आंटी। अच्छा भाई देखो, तुमने उसके साथ जो सुलूक किया ना, वो अच्छा नहीं है। हाँ आप नहीं जानती आंटी, वो तो मेरे पापा के पीछे पड़ गई है। अच्छा, वो उनसे शादी करना चाहती है। तो क्या हर्ज है, अगर अच्छी लड़की है तो करवा दो ना शादी। नहीं आंटी नहीं, मैंने तो उनके लिए कुछ और ही सोच के रखा है। बहुत प्यार है तुम्हें अपने पापा से। आप देखेंगी ना तो आपको भी प्यार हो जाएगा उनसे। उल्लू कहीं के, छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। आंटी मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन बहुत समझदार हूँ। आंटी आप भी अकेली हैं, मेरे पापा भी अकेले हैं, आप उनसे मिलिए ना। नहीं बेटे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ एक ही बार बाहर आती है, मुझ पर जो बाहर आनी थी वो आ चुकी, आप कभी नहीं आ सकती। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं आंटी, एक बार मिलने में तो कोई बुराई नहीं।
अच्छा एक बार मिलाना चाहते हो तो ले आओ उन्हें। थैंक यू आंटी। जब कुत्ता पागल होकर मालिक को काटने लगे तो उसे गोली मार दी जाती है। तुम फिक्र मत करो रीटा, उसे आने दो और फिर देखो तमाशा। तुम हिलाकर अगर उसने तुम्हारे पांव ना चाटे तो मुझसे कहना। ओ, आ गए। यस सर, आपने मुझे बुलाया सर। विशाल साहब, एक जमाना था जब आप रेस की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती समझे जाते थे, चैंपियन जॉकी थे आप, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आज आप मेरे एक मामूली से नौकर हैं। मैं जानता हूं सर, इस बात को मैं कभी नहीं भूला। तो फिर तुम ये कैसे भूल गए कि रीटा मेरी बहन है, वो तुम्हें इज्जत बख्शने तुम्हारे घर गई और तुम्हारे बेटे ने उसके साथ क्या सुलूक किया जानते हो? लेकिन ना समझ है, बच्चा है वो। वो बच्चा नहीं, शैतान है। देखिए आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी अपनी बहन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने रीटा की बेइज्जती की है और उसे रीटा के कदमों में सर रखकर माफी मांगनी पड़ेगी। मेरा बेटा किसी के पांव में सर नहीं रखेगा और ना ही किसी से माफी मांगेगा। अगर यहाँ नौकरी करनी है तो हमारी यही शर्त है। अगर आपकी यही शर्त है तो आपकी नौकरी आपको मुबारक हो। जिससे मेरे बेटे का सर झुकता हो, तौहीन होती हो, तो लानत है ऐसी नौकरी पर। देखा देखा इसका दिमाग। चलो भाई हम तैयार हैं, चला जा। चलकर खुद ही देख लेना, तुम्हारा दोस्त हूँ, अच्छी जगह ले जाऊंगा। चलो। ऐसे क्या हो गया है तुम्हें पापा, ऐसे फटीचर कपड़ों में चलोगे? फटीचर? ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं भाई। यार पापा मेरा नाम बदनाम कराओगे क्या? नहीं, मैं तुम्हारा नाम क्यों बदनाम कराऊंगा भाई। हा? देखो पापा, जब किसी खास आदमी से मिलने जाते हैं तो कुछ अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। चलो उतारो इन्हें। ओके ओके। अब हुई ना बात। एक मिनट ठहरो। परफ्यूम। बस यार बस, ये तो मेरे सर पर चढ़ गई। जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ सारी उतर जाएगी। क्या? चलिए देर हो रही है। ओ चलो। ये देखो पापा, बंगला तो बहुत शानदार है। पापा अभी तो आपने देखा ही क्या है, बंगले वाली तो इससे भी ज्यादा शानदार है। अच्छा तो बुला भाई। अभी बुलाता हूँ। आंटी आंटी। लकी, लकी तुम जरा बाहर जाओ। ओके पापा। लकी लकी मेरा बेटा है। लकी, अब लकी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं विशाल, विशाल लकी लकी मेरा बेटा है। नहीं नहीं, लकी तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। आज तुम मां होने का दावा कर रही हो ना, उस वक्त कहां थी जब लकी तुमसे बिछड़ कर बिलक बिलक कर रो रहा था? उस वक्त तुम कहां थी जब रात भर जाकर मैं उसे दूध पिलाया करता था, उसके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोया करता था? उस वक्त तुम कहां थी? मैंने लकी को कहां कहां नहीं ढूंढा विशाल, लेकिन तुम उसे मेरी दुनिया से चुरा कर किसी और ही दुनिया में लेकर चले गए। हाँ मैं ले गया था उसे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में पैसे की हवस थी, सोने और चांदी के महल थे, और मैं नहीं चाहता था कि उन बंद महलों में मेरे बेटे का दम घुट जाए। और आज भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे माहौल का गंदा साया भी उस पर पड़े। तुम नहीं जानते विशाल कि मैं लकी के प्यार के लिए कितना तड़पी हूँ। प्यार तुम्हें लकी से नहीं, प्यार तुम्हें झूठी शान और शौकत से जिसे तुमने पा लिया है। ममता मोहब्बत प्यार सब कुछ कुर्बान कर दिया तुमने अपने शौक के लिए। अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, ना मुझसे ना लकी से। मुझे सिर्फ एक बार उसे अपने सीने से लगा लेने दो, आखिर मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। माँ सिर्फ जन्म देने का ही नाम नहीं होता है, उन दुखों को झेलने का नाम है जो एक औरत अपने बेटे को पाल कर झेलती है, और वो तमाम दुख मैंने सहे हैं। इस नाते से लकी के माँ और बाप दोनों मैं हूं। तो
तो क्या तुमने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? बताया है कि तुम मर चुकी हो, और ये झूठ मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.